वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी नू जी आया नू, आप आए अहमदनगर। फार्म तो हमारा नहीं कह सकेंगे अभी तक कि फार्म है, बट अकाल पुरख की कृपा रही तो बहुत जल्दी हमारा फार्म भी बन जाएगा। स्टैलियन तो अभी नहीं कह सकेंगे उसको पूरी तरह से, क्योंकि वो अभी तक पूरा स्टैलियन नहीं बना है। फिर उसके बाद सारंगखेड़ा ले गए थे, सारंगखेड़ा में सिक्स्थ आया था और उन्हीं में से एक बच्चा अकाल पुरख ने हमें उनको सेवा करने का मौका दिया, एकम उसका नाम है। हाँ जी। फिर जी अभी ना सब स्क्रीन पे देख रहे हैं सुखमनी के बारे में, जो आपके पास फिली है अच्छे लाइन की, थोड़ा उसके बारे में बताइए हमें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम आए हैं एआर स्टड फार्म, जो कि लोकेटेड है अहमदनगर महाराष्ट्र में। तो हम वीर जी से बातचीत करेंगे और उनके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन लेंगे और उनके फार्म के बारे में। तो वीर जी थोड़ा आपके बारे में बताइए और आपके फार्म के बारे में बताइए हमें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी नू जी आया नू, आप आए अहमदनगर, हमें आपकी सेवा करने का मौका दिया, बहुत अच्छा लगा। वेलकम वेलकम टू अहमदनगर। मेरा नाम सरबजीत सिंह ओबेरॉय, सारे फ्रेंड्स और घर वाले मुझे शहरी के नाम से जानते हैं और हम यहीं अहमदनगर में ही रहते हैं। और फार्म तो हमारा नहीं कह सकेंगे अभी तक कि फार्म है, बट अकाल पुरख की कृपा रही तो बहुत जल्दी हमारा फार्म भी बन जाएगा। तो वीर जी आपके फार्म का आपने वैसे मतलब नाम क्या रखा है? हमारे फार्म का नाम तो जी ए आर स्टड फार्म है। अच्छा, मतलब ए आर स्टड फार्म, मतलब आपने वैसा कुछ है उसका मतलब? ए आर स्टड फार्म ये मेरे माता पिता का आशीर्वाद इस नाम के अंदर है। अच्छा जी। ए मेरी माता जी जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, स्वर्गवास हो गया उनका, तो उनका नाम अमरजीत कौर था, तो अमर मैंने उस नाम से लिया है। और फादर साहब का नाम मेरे राजिंदर पाल सिंह है, तो राज मैंने उस नाम से लिया, तो दोनों के आशीर्वाद हमारे ऊपर सदा बने रहे, इस हिसाब से मैंने वो नाम अमर राज स्टड फार्म रखा है। अच्छा जी जी। और वीर जी आपके पास टोटल कितने जानवर है, मतलब स्टैलियन, मेर और बच्चे वगैरह, कोल्ट्स, फिली? देखो जी, ऑल ओवर अगर देखे जाए तो 5 to 7 एनिमल्स हैं। अच्छा। अभी एट प्रेजेंट उसमें से 2-3 बच्चे हैं, 2 मेर्स हैं और 1 स्टैलियन है। तो आपके सारे मतलब स्टैलियंस वगैरह की डिटेल हमें बता दीजिए एक बारी, जो आपके स्टैलियन है, मेर है। मेयर्स तो अननोन है दोनों मेरे पास, एक आलिशान लाइन की, मतलब नोन, एक अबलक मेयर है जो आलिशान लाइन की है और एक अबलक और मेयर है, उस वो भी अननोन है, बाकी 2 ही मेयर्स हैं हमारे पास। अच्छा, कोल्ट, फिली और? बस 2-3 फिलियाँ हैं हमारे पास और। अच्छा। हाँ जी, और एक स्टैलियन है। अभी आपके ना जो मेन स्टैलियन है, थोड़ा उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन बताइए, जैसे कि हाइट उसकी, एज, कौन से लाइन का है? स्टैलियन तो अभी नहीं कह सकेंगे उसको पूरी तरह से, क्योंकि वो अभी तक पूरा स्टैलियन नहीं बना है, बच्चा ही है, बट वो दांत 34 दांत 39 मंथ्स में कर गया। अच्छा जी। तो हम आज तक जो भी शोज़ में उसे, मुझे थोड़ा सा शौक था जब मैं न्यू आया इसके अंदर शोज़ का, तो फिर मैंने सोचा कि मुझे बहुत फ्रेंड्स ने मना किया कि नहीं, आफ्टर 7 to 8 ईयर्स के बाद इसे आप डालना शो के अंदर। हाँ। बट मेरी इच्छा थी तो मैंने डाल दिया, अपने से ऊपर, इच्छा से ऊपर तो कुछ नहीं होता लाइफ के अंदर। तो मैंने 39 मंथ्स में ही उसे शो में डाल दिया था। 39 मंथ्स में उसने 4 दांत, मतलब कैप छोड़ दिया था उसने। अच्छा। तो मैंने अक्लुज में आई थिंक फर्स्ट डाला था उसको, फर्स्ट कैटेगरी में, स्टैलियन कैटेगरी। अच्छा। स्टैलियन कैटेगरी 39 मंथ्स में वो टॉप 5 में आया था वहाँ पर। हाँ, हाँ जी। तो अकाल पुरख ने बहुत बख्शिश की थी, फिर उसके बाद से थोड़ा सा मेरा हौसला बढ़ गया था। फिर उसके बाद में हमने उसे डाला, वूना शो था, महेश दादा का कोई, महेश दादा वहाँ के MLA है। हाँ, जो ये साल हुआ था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वहाँ पर भी 5th आया था। फिर उसके बाद सारंगखेड़ा ले गए थे, सारंगखेड़ा में 6th आया था। सारंगखेड़ा में तो मतलब अपने महाराष्ट्र का सबसे बड़ा शो जो होता है वो सारंगखेड़ा होता है। हाँ जी, मैंने विजिट में लाइफ में फर्स्ट टाइम ही किया सारंगखेड़ा, और शो में भी फर्स्ट टाइम एकम, जो हमारे स्टैलियन का नाम, सॉरी मैं आपको बताना भूल गया, स्टैलियन का नाम एकम है। हाँ, हाँ जी,
और वो है मजूके लाइन से, अच्छा, उसके फादर का नाम है ब्लू डायमंड। और तो एडम के बारे में तो सभी जानते हैं, आप थोड़ा ब्लू डायमंड के बारे में बताइए, जो कि एकम का सायर है। देखो जी, एडम तो द ग्रेट एडम है, टू बी वेरी हाँ फ्रैंक, जी, हाँ ये तो जी, बात सभी को पता है। हाँ जी, और एडम का बच्चा है ब्लू डायमंड, जो हाँ जी, हमारे बहुत ही करीबी मित्र, यार मित्र है, पीपा जी के पास है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पोलू वाला पिंड है पंजाब के अंदर, उस पिंड के अंदर है, अभी स्टेबल्ड है ब्लू डायमंड जी। उसके काफ़ी अच्छे बच्चे आए हैं मार्केट में, बहुत बच्चे हैं, और उन्हीं में से एक बच्चा अकाल पुरख ने हमें उनको सेवा करने का मौका दिया, एकम उसका नाम है। और वीर जी एकम के मतलब कोई रिजल्ट वगैरह आया है अभी? एकम का तो जी अभी तक रिजल्ट कोई मार्केट में है नहीं अवेलेबल, हाँ जी, बाकी 6 to 7 मेयर्स हमने कवर की हैं, अच्छा, जो 2 मेयर्स तो हमारे पास खुद के पास ही हैं कवर्ड हैं जो, और कुछ फ्रेंड्स हैं पंजाब में, 1-2 मेयर्स हैं, और 1-2 मेयर्स यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर है जो फ्रेंड्स की हैं, अच्छा जी, ठीक एक है, नज़दीकी यार दोस्त जो हैं। और कमिंग मतलब 2024 एंड या 2025 स्टार्ट के अंदर अच्छा इसका रिजल्ट मार्केट में आ जाएगा। ठीक है। हाँ जी, फिर जी अभी ना सब स्क्रीन पे देख रहे हैं सुखमनी के बारे में, जो आपके पास फिल्ली है अच्छे हाँ लाइन जी, की, उस थोड़ा हाँ जी, उसके बारे में बताइए हमें। ये फिल्ली जो है मेरी बहुत ही अजीज़, बहुत ही प्यारी एक मेर थी, एक बच्ची थी, उसका नाम था हसरत, ये उसकी बच्ची है। अच्छा जी, तो बस उसने जब ये बच्चे बच्चा दिया, ये बच्ची जब दी, हाँ जी, ये लास्ट ईयर गुरु गोबिंद सिंह जी का गुरपुरब था, उस गुरपुरब वाले दिन ये बच्ची का जन्म हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ये मेरे ऊपर कृपा हुई है अकाल पुरख की। एक तो ये बच्ची टाइगर एक घोड़ा है जो आलीशान लाइन का है, दिलबाग का बच्चा है। अच्छा हाँ, ये उसकी बच्ची है। अच्छा इसकी एज वगैरह क्या है? इसकी एज तो जी 13 मंथ्स अभी है, अच्छा, थर्टीन मंथ्स की है ये। इसकी माता एक्सपो जो हसरत, जो मेरी बहुत ही अजीज़ घोड़ी थी, हाँ जी, वो इसको डिलीवर करने के 12th या 13th डे एक्सपायर हो गई थी। तो वीर जी मतलब आपने फिर इसको संभाला कैसे, इतने मतलब छोटे बच्चे को? बस जी, समझ तो थी नहीं इसको संभालने की, हम तो तकरीबन नवे ही आए थे, मतलब ये संभालना स्टार्ट किया था, तो बच्चों जैसा पाला ही हूँ समझ लो आप। अच्छा जी, चलो, हाँ जी, इसके पास एक मंजा डाल के, हमारा एक घर का बंदा था, हाँ जी, मंजा डाल के इसके पास, हम उधर ही लिटाया हुआ था, वहीं बैठता था, वहीं सोता था वो। अच्छा, तो इसको जब भी भूख लगती थी, वो इसको माँ समझ के अपने पास जाता था, तो इसको फीडर से उसको दूध पिला दिया करता था। हाँ जी। हाँ जी, बस ऐसे ही इसका पालन पोषण हुआ और है। वीर जी और एक बात, आपको ना घोड़ों का शौक कहाँ से लगा? मीन्स आपको फैमिली से शौक था, या आप फैमिली में से पहले हो जिसको शौक लगा? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है मुझसे। मुझे ये शौक है ना, मैं बचपन में सेकंड स्टैंडर्ड में था, तो अहमदनगर से नज़दीक हजूर साहब है, हाँ जी, नांदेड़, हजूर साहब हाँ जी, हाँ गुरुद्वारा जी, साहब है, तो गुरुद्वारा साहब के जो पुराना ओल्ड गुरुद्वारा साहब था, वहाँ पे पार्किंग हुआ करती थी। हाँ जी, पार्किंग के पास में ही, आपको पता होगा अच्छी तरह हाँ से जी, हाँ शायद, जी, तो पार्किंग के पास में ही पहले तबेला हुआ करता था घोड़ों का, हाँ जी, स्टेबल्स थे वहाँ पर। हाँ जी, हाँ जी, तो वहाँ पर जब हम गाड़ी पार्क करते थे, तो पार्किंग के एकदम ऑपोजिट सामने ही स्टेबल थे, तो हाँ जी, अभी लीद की खुशबू तो मतलब आपको पता ही है, दूर से कोई आ भी, जाती है वो तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो तब बस वो खुशबू आई, और देखने के लिए गए, तो जैसा वो देखा, तो तब से सोचा हमेशा करते थे कि बस अकाल पुरख कृपा कर दे। तब तो समझ नहीं थी हाँ जी, कि सेवा करनी पड़ती है, ये करना पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी, सही बस है, अकाल पुरख ने जब उसकी सेवा करने लायक बना दिया, तो खुद ही बख्शिश कर दिया सही बात है वीर जी। जी। तो वीर जी आपका मतलब पहला घोड़ा या घोड़ी कौन सी थी? मीन्स एक्चुअली पहली जो हमने 3 घोड़ियाँ एक साथ ली थी, अच्छा, हमारे एक बहुत ही अजीज़ फ्रेंड है, उन्होंने राजस्थान के अंदर अजमेर शरीफ में ली थी, उन्हीं के यहाँ पर रखी एक एक करके। मेरी पहली घोड़ी थी हसरत, उसका नाम था हसरत। अच्छा हाँ जी, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी घोड़ी, लाजवाब। वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा घाटा है, आज वो घाटा कभी पूरा नहीं हो सकता। घाटा पैसों के इसमें मत समझिएगा प्लीज़ आप, हाँ जी, एक प्यार से जिसको एक अजीज़ समझते हैं हम लोग, अनमोल जो चीज़ होती है, मैंने उसका नाम भी हसरत रखा था। हसरत बोले तो मेरी जो बचपन से जो मेरी इच्छा थी,
वो उसका नाम रखा था, बचपन की इच्छा उसको लेके पूरी हुई, उसकी सेवा करके पूरी हुई, इस करके मैंने नाम उसका हसरत रखा था। हाँ जी, जी हसरत की बच्ची जो सुखमनी है वो ही। हाँ, उसकी बच्ची का नाम ये जो आप देख रहे हो, हाँ जी, हाँ जी, उसका नाम सुखमनी है। सुखमनी भी उसका नाम इसलिए हमने रखा हाँ जी, कि कृपा उसकी गुरु गोबिंद सिंह जी का जो गुरपुरब था हाँ जी, हाँ जी, उस उसी दिन। दिन जी हुई थी। बिल्कुल, तो ये फीलिंग से काफ़ी अटैच्ड है मेरे ये, तो वो चीज़ मैंने सोच विचार करके नाम रखा। ठीक है जी। जी तो वीर जी, सारंगखेड़ा में ना एकम सबसे यंगेस्ट एलियन था जो कि बहुत फेमस हुआ था, उसके वीडियोस वगैरह बहुत वायरल हुए थे। थोड़ा उसके बारे में बता दिए आप, बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा था सारंगखेड़ा में, क्योंकि सारंगखेड़ा में ना बहुत बड़े बड़े स्टैलियन आए थे। हाँ जी जी, सारंगखेड़ा में तो नहीं, आज तक एकम स्टैलियन रिंग में आज की डेट तक हाँ जो जी, भी रिंग के अंदर गया है वहाँ पर सबसे यंगेस्ट स्टैलियन था वो हाँ जी, एट प्रेजेंट। तो मैं आपको पहले बताया कि सारे फ्रेंड्स मुझे बोलते थे कि 6 to 7 years के बाद इसको स्टैलियन रिंग में डालना, बट एक प्यार था, एक ज़िद थी, तो मैंने सोचा कि डालना है तो डाल दिया उस बिहा पे। लेकिन अकाल पुरख ने कृपा भी बहुत बड़ी की कि काफ़ी बड़े बड़े एनिमल्स, आई थिंक सारंगखेड़ा के अंदर 27 to 29 स्टैलियंस थे हाँ जी, फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, हाँ जी, हाँ जी, पंजाब से भी आए हुए थे, राजस्थान सारे से भी। फेमस फेमस आए थे और वो, बिल्कुल बिल्कुल, 100% हाँ बहुत ही बड़े एनिमल्स आए थे। तो जी, उन एनिमल्स के बीच में एकम सिक्स्थ आया था। अच्छा, हाँ ये जी तो बहुत बड़ी बात है फिर, जैसे कि एकम स्टार्टिंग में ही, मतलब स्टेलियन अभी बना भी नहीं पूरा, 10-12 साल के स्टेलियन के बीच में एकम, 4 साल का, 5 साल का एकम, वो नहीं अभी, जी, 4-5 साल का, 43 months का तो अभी हुआ है वो, मतलब अभी होने वाला है 4 साल का, अभी 43 months चल रहा है उसका फिर रनिंग, तो बहुत फोर्टी अच्छी थ्री बात मंथ्स है। है एकम ने मतलब स्टेलियन रिंग में इतनी अच्छी टक्कर दी इतने बिल्कुल। बड़े नहीं, घोड़ों को। टक्कर तो चलो एक अलग बात है, हर एक एनिमल की अपनी एक खूबसूरती होती हाँ है, जी, हाँ जी, अपना एक एज होता है, अपने आप को शो करने का अपनी एक पोजीशन होती है, तो किसी के साथ कंपैरिजन तो नहीं है, बट चलो वाहिगुरु ने बख्शिश की है उसको जो भी अपने आप को शो करने की, तो वो करता है, हाँ और हम जी, काफ़ी हद तक खुश है कि इतना यंग एज के अंदर अगर वो अपने आप को शो कर रहा है, तो काफ़ी हम खुश हैं उस चीज़ से काफ़ी हद तक, कि अकाल पुरख जो हमसे सेवा ले रहे हैं उसके बारे में वो तृप्त हो रही है, बोलते हैं ना कि सेवा तृप्त हो रही है हाँ जी। बस। हाँ जी वीर जी, हमें ना थोड़ा मजूक के लाइन के बारे में बताइए, जैसे कि बचपन में वो ब्लैक होते हैं, जी फिर थोड़ा सा ग्रे चालू होना, ग्रे होते हैं, जी फिर जी वाइट होते हैं, थोड़ा इस बारे में थोड़ा बताइए हमें। इसका मैं आपको और एक बात बताऊंगा, जैसे आपने मुझे पूछा कि आपको शौक कहाँ से लगा, और मैंने हाँ जी, आपको बोला कि मैंने हजूर साहब हाँ जी, हाँ गुरुद्वारा साहब जी, से मुझे, तो मेरे लाइफ में मैं जब भी डैपल स्टेज का जो भी हॉर्स जो भी एनिमल देखता था ना, मैंने सिर्फ एज्यूम किया था कि मेरे पास अकाल पुरख कृपा करे कि ऐसा कोई एनिमल हो, तो आप विश्वास नहीं करोगे कि मुझे वाहिगुरु सच्चे पातशाह ने ज़िंदगी में पहला एनिमल यही दिया। हाँ जी, और मजूके लाइन का जहाँ तक मुझे नॉलेज है, मुझे तो कुछ भी पता नहीं, मैं इस लाइन में न्यू तो बोल सकेंगे बट नॉलेज बहुत कम है, बहुत रथी महारथी इस लाइन में बैठे हुए हैं। तो मजूके लाइन का ऐसा होता है कि स्टार्ट में जब वो बच्चे होते हैं, हाँ जी, आई थिंक 5 years तक, 4 to 5 years तक वो ब्लैक रहते हैं, जेड ब्लैक रहते हैं, अच्छा, कई बच्चे जब जल्दी भी डैपल स्टेज ले लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो एकम ने तो अभी तक नहीं लिया है, 43 months का हुआ है अभी, जस्ट उसको ग्रे हेयर्स थोड़े थोड़े आना स्टार्ट हुए हैं, तो पहले वो ब्लैक स्टेज में रहते हैं, जेड ब्लैक में, हाँ जी, उसके बाद वो डैपल स्टेज में, ग्रे स्टेज में थोड़ा थोड़ा ग्रे होते हैं, फिर डैपल स्टेज में आते हैं, और फिर आगे चल के पूरा ग्रे बन जाते नीले हो हैं, जाते हैं, नीले, नीले, ग्रेश ब्लू बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो बहुत खूबसूरत एक ही एनिमल आपके पास अगर ऐसा हो ना, हाँ जी, हाँ तो जी, मैं तो अपने आप को कर्मों वाला समझता हूँ बाकी। वीर जी, और एकम की और सारे आपके एनिमल्स की डाइट वगैरह क्या है, और एक्सरसाइज वगैरह? डाइट तो कुछ भी नहीं है जी, डाइट नॉर्मल है एकदम, जो हम जो सारे अपने एनिमल्स को डालते हैं हाँ जी, वही डाइट है नॉर्मल, जो यहाँ पर महाराष्ट्र में, वैसे राजस्थान, हरियाणा और गुजरात के अंदर वो मूंगफली का नीरा मिल जाता है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, जो बहुत अच्छा होता है, वो यहाँ पर महाराष्ट्र में अवेलेबल नहीं हो पाता, काफ़ी मुश्किल से होता है, तो वो नहीं हम डाल पाते, तो हम यहाँ पर एक कड़बा होता है ज्वारी का कड़बा, उसकी कुट्टी करके डालते हैं, और जो बॉईल जो भी चना और ये जो फीड डालते हैं हाँ जी, हाँ यूजुअली हर जी, जगह डालते हैं वही डालते हैं उन्हें, मतलब सारा साल एक ही डाइट रखते हो, मतलब सीजन के नहीं हिसाब से थोड़ा चेंज गर्मी करते के हो अंदर आप? चेंज कर देते हैं, अच्छा जैसे बाजरा वगैरह गर्मी के अंदर बंद कर देते हैं पूरी अच्छा तरह से। जी और
एक्सरसाइज वगैरह सारे घोड़ों की? एक्सरसाइज तो सारों को मिलती है, 30 to 40 minutes मॉर्निंग, 30 to 40 minutes इवनिंग। अच्छा, दोनों टाइम एक्सरसाइज पूरी मिलती है। कभी कभार वीकली एक आधी छुट्टी दे देते हैं उन्हें। ठीक है जी। और कोशिश करते हैं कि महीने में एक बार उन्हें थोड़ा सा एक भूखा रखने की कोशिश करते हैं, महीने में एक बार। अच्छा जी। किसी को आपसे कॉन्टेक्ट करने का होगा तो वो मतलब आपका एक बार नंबर बोल दीजिए आपका। मेरा नंबर है 9960585001। जी। तो वीर जी एक बार ना आपका जो लोकेशन है फार्म का वो एक बार अच्छे से बता दीजिए। लोकेशन तो जी हमारा अहमदनगर से शिरडी की तरफ हाईवे जाता है, नगर मनमाड़ हाईवे से कहते हैं। अच्छा। तो उस रोड के ऊपर अहमदनगर से 20 किलोमीटर्स के ऊपर है, बिसाइड खालसा पंजाब, होटल खालसा पंजाब है, उसके बैक साइड में फार्म है। और मैं डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा इनका अपना लोकेशन। बाकी बहुत थैंक यू आपका, आपने हमें टाइम दिया और हमें मौका दिया। एकम का फर्स्ट टाइम यूट्यूब पर वीडियो आ रहा है इंटरव्यू के साथ। शुक्रिया तो बहुत बहुत आपका भाई साहब कि आप इतनी दूर गर्मी में चल के हमारे पास आए। बहुत अच्छा लगा, आपने हमें सेवा का मौका दिया और अब कोशिश करेंगे कि हम आपको अक्सर बुलाया करेंगे अपने पास। थैंक यू वाहिगुरु जी का खालसा। वाहिगुरु जी की फतेह।